तो तमाम संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और हिमांशु, आज जिस तरीके से अभी आप बता रहे थे कि देखिए ये भेदभाव नहीं है, अमित मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर आपके आसपास में और भी लोग मौजूद हैं, वहां पर स्टॉल्स मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं, जरा उनसे बात करके आप ये जानिए कि इस फैसले को वो कैसे देखते हैं। देखिए, लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे, लोगों के बीच में चलेंगे। छिजारसी में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो दुकानें आपको दिखा रहा था अभी, सबसे पहले जो फ्रूट्स वाली दुकान है उन तक जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर कांवड़ियों के रुकने के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है और ये पहले से तय कर दिया जाता है कि भंडारे में कांवड़िए रुकें और वहीं पर जो भी चाय पानी नाश्ता या खाना है वो उनको वहाँ पर मिलता है। ऐसी बहुत कम चीज़ें सामने आती हैं कि दुकानों से कांवड़िए अपना सामान खरीद कर खाना खाएँ या तमाम चीज़ों को रखें। इस आदेश को किस तरीके से दुकानदार देखते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। अब जो फल फ्रूट सारी चीज़ें बेचने का दुकान है उस पर अपना नाम लिखना होगा, कैसा मानते हैं सर? नाम की पर्ची चिपकानी? सही है, बढ़िया है बड़े भाई। क्या नाम है आपका? सद्दाम। तो पर्ची लिखी जाएगी क्योंकि कांवड़ यात्रा होने वाली है, तो नाम लिखोगे आप अपना? जी लिख देंगे बाबू जी। आप क्या करते हो? कुछ नहीं। और भी दुकानदार हैं? आप कितने दिन से लगा रहे हो ठेला यहाँ? आप कम से कम 6 महीने हो गए। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। सूरज कुमार। अब नाम लिखना होगा इसके सामने, जब तक कांवड़ यात्रा निकलेगी तो लिखोगे? हाँ लिख देंगे। देखिए, दुकानदार जो हैं इस फैसले को यहाँ जो है सही बताते हुए नज़र आ रहे हैं, और भी दुकानदारों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कई दुकानें हैं फल की। आपका क्या नाम क्या है? अहमद। अहमद। इसके सामने अपना नाम लिखना होगा आपकी रेडी के सामने कि अहमद नाम है मेरा बेचने वाला। ये आदेश आया, कैसा लगता है आपको? लिख देंगे, अच्छा लगता है। सही है, लिख देंगे नाम। कांवड़ यात्रियों के लिए ये आदेश दिया गया है। ठीक है, अच्छा। देखिए, अहमद हैं ये और तमाम जो दुकानदार हैं उनसे बात करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? ओमपाल। ओमपाल, जो भी अब रेडी के सामने अपना नाम लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि कांवड़िए निकलने वाले हैं। तो इसी बीच कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ में जुड़ गए हैं, राज्य मंत्री। स्वागत है आपका सन न्यूज स्टेट पर। जी, नमस्कार। सर, ये एक फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि कावड़ रूट पर जितने भी दुकानदार पड़ते हैं, ढाबे पड़ते हैं, अब उन सभी को अपनी पहचान का एक बोर्ड लगाना होगा। हाँ, तो मुझे लगता है वहाँ से हुआ तो ये स्वागत योग्य है। हाँ जी, इसमें देखिए, नहीं सर, मेरे यहाँ विषय समझ रहे, इसमें किसी को कोई आपत्ति क्यों होनी चाहिए? सबको, जिसको हर व्यक्ति अपनी दुकान खोलने के लिए फ्री है, हर व्यक्ति अपना खरीदारी के लिए फ्री है और दुकानदारी के लिए फ्री है, इसमें किसी को भी क्या आपत्ति हो सकती है? और पहचान पत्र तो बने इस काम के लिए, जब वोटर आईडी बनी है हिंदुस्तान के अंदर तो वोटर आईडी पहचान पत्र के लिए बनी है। अगर वो अपने नाम से, कोई वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अन्य जाति वर्ग के हों, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, अगर वो अपने प्रतिष्ठान के सामने अपना नाम लिखते हैं तो इसको कोई आपत्ति का विषय नहीं है। और इसकी लगातार चीजें इससे हुई, समाज में कुछ लोग धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू देवी देवताओं के नाम पर इस प्रकार का काम और व्यापार करते हैं जिससे समाज में विद्वेष पैदा होता है, तो उसमें की डिमांड थी। तो मुझको लगता है रास्ता ठीक है, इसमें काम होते उसके। सर, एक बात और, क्योंकि आपने ही इसकी शुरुआत की है कि बोर्ड लगाना चाहिए, नाम लिखना चाहिए, ये आपके जहन में ये बात कहाँ से आई? मतलब किस लिए आपने सोचा कि इस तरह की जो कदम है ये उठाने चाहिए? देखिए, पिछले बार भी विषय आया था, जब कांवड़िया यहाँ से निकलते हैं, खासतौर से मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, सहारनपुर, मेरठ, इन क्षेत्रों से, तो जो भक्तजन है बाहर के बातें हैं, हरियाणा के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, देश भर के लोग आते हैं, उनको नहीं पता होता कि कौन दुकानदार कौन है। तो उनकी दुकान पर कई बार हिंदू देवी देवताओं के नाम से व्यापार करने वाले लोग नॉनवेज बेचते हैं, तो नॉनवेज बेचते हैं तो हिंदी बस होता है, उनकी कावड़ी भ्रष्ट होती है और उसके कारण सामाजिक विद्वेष पैदा होता है। तो उसके कारण से विषय प्रशासन के सामने जरूर रखा गया कि इस प्रकार को सुनिश्चित कर लें कि कोई व्यक्ति ऐसा काम न करे जिसमें आपस में तनाव की स्थिति हो। ये सामाजिक सद्भाव का विषय था, इसको कुछ लोग अनाव से रूप से तूल देने का काम कर रहे हैं और हमेशा वे लोग हैं जो हमेशा तूल देकर के सामाजिक विद्वेष की बात करते हैं, और ऐसे भी हमेशा सामाजिक विद्वेष के लिए भाषण देते हैं, हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल के ऐसा आते हैं जिसमें सामाजिक लड़ाई हो, सामाजिक गठबंधन टूटे। तो मेरा उनसे निवेदन है, इस प्रकार की टिप्पणी ना करें, इसमें सामाजिक सद्भाव का विषय है, सामाजिक विश्लेषण का विभाव नहीं।
सर एक सवाल और, यहाँ पर आपने कहा कि नॉनवेज बेचते हैं और नाम जो है हिंदू देवी देवताओं का लिखा होता है, तो सर नॉनवेज छुप के थोड़ी बेचते हैं? मेन्यू में प्रॉपर लिखा होता है और फिर किसी को लेना है उस शॉप से, उस दुकान से, उस ढाबे से कुछ तो वो लेगा, जिसे नहीं लेना है वो नहीं लेगा। नहीं लिखते हैं, सुनिए, नहीं लिखते हैं, यही तो गलतफहमी हो रही है। नहीं लिखते हैं, बाद में अंदर जाके पता लगता है कि तुम्हारी दुकान के पास बैठा तुम्हारी काउंटर यानी जो तुम्हारी सीट है, जो तुम्हारी टेबल है, वो टेबल मेरा को नॉनवेज खा रहा है और बाहर दुकान का नाम लिखा है मान लो गणपति ढाबा, तो उसके कारण से ये हमेशा आती रही है बातें। आज चूंकि आप चैनल ने आपने ये बात उठाई है तो ये चर्चा का विषय बन गया, अकेला व्यक्ति नहीं बोल सकता, ये बातें हमेशा आती रही, बात पहली बार नहीं आई है। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि इसी गंगा जमुनी तहजीब पर फर्क पड़ेगा? देखिए जो लोग इसको ट्विस्ट कर रहे हैं उनके लिए फर्क पड़ेगा, कोई दुकानदार आपत्ति नहीं कर रहा है, मुस्लिम धर्माचार्यों ने भी इसका स्वागत किया है, कई मुस्लिम धर्माचार्यों के टिट भी आए हैं कि इसमें कोई आपत्ति का विषय नहीं है। मैं कपिल अग्रवाल, मैं भी फल खरीदता हूँ, मैं भी मुस्लिम से व्यवहार करता हूँ, मैं भी उनके घर जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर बकरा इस पर नहीं आते हैं, जब मीठी इरादी तब जाते हैं, इसमें कहा आपत्ति बताइए। ठीक है, इसमें मैं नहीं आता कि मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन जब मीठी ईद होती है तो उसे मैं जाता हूँ लोगों के घरों पर, इसमें क्या दिक्कत है? अगर स्पष्टता रहेगी तो हमको पता है कि बकरा ईद पर इन लोगों के रोने बनते तो बाबा नहीं जाते, देखिए ईद आती है तो हम जाते हम लोग जाते। तो इसमें जो लोग इसको अनावश्यक रूप से टिप्पणी करके इसको गलत दिशा में देना चाहते हैं हम उसको नहीं होने देंगे। ये सामाजिक देश का नहीं, सामाजिक प्रेम का विषय है और सामाजिक प्रेम समाज में बना रहना चाहिए। ठीक है, मैं सर लौटूंगी आपके पास में। इसी बीच में हमारे साथ में शाहबुद्दीन रिजवी भी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर शाहबुद्दीन रिजवी जी। जी बताएं। सर ये फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से कि कावड़ मार्ग पर जितनी भी दुकान पड़ेंगी, ढाबे पड़ेंगे, सभी को अपनी पहचान का बोर्ड लगाना होगा, कैसे दिखते हैं इसे? देखिए ये सबसे पहले एसएसपी मुजफ्फरनगर ने इसको शुरू किया था। अब जब नज्म व नक्श कायम करना है, लाइन ऑर्डर के सिचुएशन को दुरुस्त रखना है, बेहतर रखना है, तो उसके लिए मुजफ्फरनगर की इस मामले को लागू पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है, तो इसमें हमें कोई एतराज नहीं है और हमें कोई आपत्ति नहीं है। और खास तौर पर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रुड़की वगैरह के इलाकों में, जिन इलाकों में कांवड़ यात्रा बड़ी तादाद में होती है, वहाँ भी मुसलमानों ने अपनी दुकानों के सामने बोर्ड लगा लिए हैं, अपने नाम लिख लिए हैं, उनको भी कोई एतराज नहीं है। और उनसे जब पूछा गया कि क्या कोई खरीदारी में बिक्री में कोई फर्क पड़ा, तो उन लोगों ने कहा नहीं, कोई खरीदारी बिक्री में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देखिए ये लॉ ऑर्डर से मुताबिक मसला है, इसको हिंदू मुस्लिम न बनाया जाए, इसको जो है वो व्यवस्थाओं से जोड़ करके देखा जाना चाहिए, इसको इस हिंदू मुस्लिम के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन सर ये भेदभाव नहीं है जिस तरीके से कुछ लोगों का ये भी कहना है? अगर और विपक्ष की हम बात करें, उनका सीधा सीधा कहना है कि ये भेदभाव हो रहा है। देखिए वो लोग राजनीतिक लोग हैं, सियासी लोग हैं, सियासी लोग सियासी एंगल से देखते हैं, सियासी नुक्ते नजर से देखते हैं, उनकी राजनीति वोट बैंक की राजनीति होती है, मगर हर जगह वोट बैंक की राजनीति नहीं करना चाहिए। ये धार्मिक जुलूस है, मजहबी जुलूस है, खालिस मजहबी जुलूस है, अभी मुहर्रम के जुलूस से बहुत अच्छे से मनाए गए, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। ऐसे ही अमन शांति के साथ हम चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा भी निकले, कांवड़ यात्रा के जितने भी जुलूस हैं, जो भी रूट है, वो भी सब अच्छे हों। ये इसलिए आदेश दिया गया है, जहां तक मैं समझता हूँ वो इसलिए है कि हिंदू मुस्लिम टकराव ना हो, आपस में जो सौहार्द कायम है वो सौहार्द कायम रहे, और जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको राजनीति नहीं करना चाहिए। करने के लिए तो बहुत सारे मौके आएंगे, अभी 2027 का इलेक्शन आएगा, अभी माध्यमिक चुनाव होने हैं, तो वहाँ पे खूब राजनीति कर ली जाए, मगर मजहबी मामला। मतलब आपको लगता है कि ये व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए एक फैसला लिया गया है जो कि बिल्कुल ठीक है? ठीक है, जी हाँ, ठीक है।